नमस्कार साहब सब, मैं हूँ आप अपना लकी सिंह भाटिया और आ गया एक नए वीडियो के साथ। आज मैं आपको इस वीडियो में वेस्ट पॉलिथीन बैग से एक पतंग बनाकर दिखाने वाला हूँ। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को कर देना लाइक शेयर, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो चलो चलते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमारे साथ ये बैग है ये, और ये थोड़ी सी कुछ पूंछ के लिए डिजाइन के लिए ये है, और टेप हमें ले लेनी है, स्टिक्स ले लेनी है, और ये बैग है हमारे पास। तो चलो चलते हैं बनाते हैं पतंग। तो ये देखिए दोस्तों, अब हम बनाने जा रहे हैं, और जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि ये इस तरह का बैग है, पूरा बंधा हुआ है, मतलब बंद है, अभी हमने इसको काटा नहीं है, ऊपर से बस ये कटा हुआ है। तो आपके पास ऐसे घर में बहुत पॉलिथीन बैग मिल जाएंगे, आप किसी से बना सकते हैं, मैं इससे बना रहा हूँ। तो अब हमें क्या करना है, इसको यहाँ से बिल्कुल ऐसे सीधा सीधा काटना है। तो पहले इसको हम काट लेते हैं पूरा, और ये देखिए एकदम यहाँ एंड से काटना है। और दोस्तों आप ऐसे जैसे ये बैग है तो ये लेफ्ट तरफ से ही आप काटिए, क्योंकि उससे आसानी होती है पतंग की शेप लाने में, नहीं तो आप राइट से काटेंगे तो आपकी पतंग कभी कभी ख़राब भी बन जाती है, और वो फिर सही शेप नहीं आ पाती और वो फिर सही उड़ती भी नहीं है। तो इसको अब हम काट लेते हैं। दोस्तों ये यहाँ की ये बंद है, तो पैकिंग ये बंद है, हम इसको भी ऐसे काट लेंगे ताकि बाद में हमें इसे शेप लाने में आसानी हो जाए, और उसी से शेप आ पाएगी, वरना आपकी शेप भी नहीं आएगी। और पहले हम इसको पूरा काट लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से सीधा 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 काटते जाइए पूरा इसको, और मैं आपको। तो ये देखिए दोस्तों, हमें काट के अभी ऐसी शेप आ गई है कुछ इस तरह से, और ये देखिए, और इस तरह जहाँ पे ये एड्रेस का और वो सब लगा होता है, आप ये वाली ना लीजिए साइड, ये वाली ले लीजिए, इससे पतंग सही बनेगी। तो इसको पहले इस तरफ रखते हैं, और जैसे कि इस तरह हमें इसे करना है पतंग की शेप में, और ये देखिए ऐसे यहाँ पे हम तीलियाँ लगाएंगे और बनाएंगे। और उससे पहले पहले तीलियाँ हम लोग नाप लेते हैं इसकी। तो ये देखिए दोस्तों, ये पतंग की शेप है, और अब हम इसको काट लेंगे यहाँ से सीधा सीधा, और इसको मैं यहाँ से अब काटना चालू करता हूँ। देखिए बिल्कुल हम इसको अब सीधा सीधा काटते जाएंगे, और काटते जाएंगे काटते जाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हम इसको काट रहे हैं पूरा, काटते जाएंगे, और बिल्कुल सीधा ये इसकी शेप आ जाएगी, अब पतंग की पूरी शेप आ जाएगी ये कट कर। और ये हमने इसको काट दिया, और ये वाले को भी हम हटा देंगे, और ये देखिए कुछ इस तरह से पतंग की शेप में आ जाएगा, आपको पूरी विजिबल होगी स्क्रीन। और उसके बाद हम इसकी यूँ तीली पहले नाप लेते हैं, बिल्कुल ये देखिए दोस्तों बराबर की तीली है, और यहाँ से उसके बाद यहाँ से इस तरह से, और सीधी हम पहली तीली लगाएंगे। तो दोस्तों पहली सीधी हमें पहले सीधी तीली इसलिए लगानी होती है, क्योंकि अगर हम इस तीली को पहले लगाएंगे तो इससे पतंग यहाँ से तो टाइट हो जाएगी, फिर यहाँ से वो लगाते टाइम थोड़ी ढीली पड़ जाएगी, या फिर यहाँ से ढीली हो जाएगी और यहाँ से टाइट, तो उससे शेप भी नहीं सही आती। तो पहले हम इस पर ग्लू लगाते हैं, और उसके बाद इसको यहाँ पर चिपका देते हैं। तो अब हम इस पर ग्लू लगा लेंगे दोस्तों, और फिर ग्लू लगाने के बाद हम इसको चिपकाएंगे। इस पर थोड़ा थोड़ा पहले हम ग्लू लगाएं, और उसके बाद इसको उंगली से पूरी तीली पर कर दें, नहीं तो ज़्यादा ग्लू से फिर तीली कुछ ज़्यादा ख़राब आ जाएगी और पतंग की शेप भी नहीं सही आती। और पहले हम इसको यूँ ग्लू से ऐसे बस इतना इतना हमने ग्लू लगा दिया, आपको विजिबल हो गई। और उसके बाद हमें क्या करना है, इस तरह से इसको यहाँ पर पूरी तीली पर ऐसे रब कर देना है, ताकि इस तरह से, और उसके बाद हम इसको यूँ अब सीधा सीधा लगा देंगे, और यहाँ से हल्का सा पूरा हल्का सा यहाँ से जगह छोड़कर टेपिंग के लिए, और यहाँ लगा देंगे। और दोस्तों यहाँ नीचे से आना कोई आपका ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इससे कोई पतंग उड़नी ख़राब नहीं होती। अगर आपकी पूरी तीली नहीं हो पा रही तो कोई बात नहीं, आप ऊपर तक पूरी लगा दीजिए, और नीचे से आप खाली भी छोड़ सकते हैं, उससे वो कोई ज़रूरी नहीं होता यहाँ से पूरा करना। और इसके बाद हम दोस्तों अब ये वाली तीली लगाएंगे। तो दोस्तों अब हम इसकी तीली को इस तरह से यहाँ पे लगा लेंगे, और फिर दूसरी तरफ से यहाँ से लगा लेंगे। पहले हम इसको यहाँ पे चिपकाएंगे, तो इसके लिए आपको पहले ले लेनी है टेप, और टेप निकालने के बाद आपको क्या करना है, ये तीली को यहाँ रखना है, और इसको ऊपर लगा के यहाँ से टेपिंग टाइट से एकदम कर देंगे, ताकि इसकी तीली रुक जाए यहीं पर। तो दोस्तों पहले आप यहाँ पे इसको टेप से लगा दें, उसके बाद इसके ऊपर वाले को हम लगाएंगे,
तो पहले इस तरह से आपको यूँ टेपिंग कर देनी है, यूँ इस तरह से, ताकि ये सीधी सी चल जाए। और यहाँ पे देखिए तीली अब रुक गई है, और उसके बाद आपको यहाँ से फोल्ड करके यहाँ पे टेपिंग करनी है। तो दोस्तों अब इसको यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे टेप लगा लेनी है। क्या ये पास करके मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो दोस्तों इस तरह से यहाँ पे आपको टेप लगा देनी है पहले, और इस तरह से, और इसको ये टेप को पीछे वाली साइड कर देना। बस इस तरह से आपकी टेप लग गई, ये तीली फिट हो गई। वैसे हमें सेम दूसरी तरफ भी करना है। तो दोस्तों इसको भी यहाँ से आपको पहले टेप लगा देनी है, और पहले हम टेप फाड़ लेंगे, उसके बाद अब यहाँ पे लगानी है आपको टेप बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने उस तरफ लगाई थी, बिल्कुल सीधी सीधी। इस तरह हमने अब टेप लगा ली, और यहाँ से भी ज़रा सी लगा लेंगे ताकि ये इसकी पूरी शेप आ जाए। तो ये देखिए दोस्तों हमारी यह पतंग बन के तैयार हो चुकी है। और अगर आपको यहाँ पीछे पूंछ लगानी है तो आप पूंछ लगा सकते हैं। इस तरफ से भी देख लीजिए शेप आ गई पूरी पतंग की। और अगर आपको पूंछ लगानी है पूंछ लगा सकते हैं, और पत्ता बनाना है तो पत्ता भी बना सकते हैं आप इसका। तो दोस्तों अब हम यहाँ ऊपर भी टेप लगा दे रहे हैं, और इस तरह से हमने टेप लगा दी, और यहाँ पे भी हम एक टेप लगाएंगे ताकि ये निकले ना। और ये हमने यहाँ भी एक टेप लगा दी, और एक टेप हम यहाँ भी अब लगाएंगे। इससे क्या होता है ना, पतंग की तीली कभी निकलती नहीं है और एकदम मजबूत रहती है। और एक नीचे आप बस लगा दें, बस ये आपको ये तीन टेप की ज़रूरत पड़ेगी, एक दो तीन। और अब आप देख सकते हैं पतंग बिल्कुल रेडी है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसका पत्ता बना लेंगे या फिर पूंछ लगा देते हैं। तो ये देखिए दोस्तों अब हम ये पूंछल, ये चार अलग अलग पूंछल है, इसको हम यहाँ पे अब मैंने टेप से जोड़ लिया है, अब देख ही सकते हैं। और अब हम इसको यहाँ पे लगा देते हैं टेप से। तो ये देखिए अब इसको तीली से जरा सा नीचे हम यहाँ लगा ले रहे हैं, और ये देखिए। और अब जैसे कि देख ही सकते होंगे इस पतंग को, है ना। हाँ तो ये देखिए दोस्तों अब ये हमने पूंछ इस पे लगा लिया, और ये पूरी पतंग बन के रेडी हो गई है। और ये हमें वाइट कलर की भी आप ट्रांसपेरेंट टेप लगा सकते हैं, और ये इसकी कहीं पैकिंग कहीं लगा हुआ था इस वाले की, तो मैंने इसी से निकाल के ये यहाँ पे इसका लगा दिया। और उसमें भी गम लगा हुआ था। और एक बार आप पतंग की शेप देख लीजिए, पूरी पतंग आई रही होगी। और तो ये देखिए दोस्तों पतंग पूरी रेडी हो चुकी है। वीडियो कैसी लगी वीडियो को कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को कर देना लाइक शेयर और कमेंट, और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। और आप एक बार इस पीछे से भी इस पतंग को देख लीजिए, वेस्ट पॉलिथीन बैग की हमने पतंग बनाई है जो बिल्कुल काम का नहीं होता, डस्टबिन में जाता है। और इस तरफ से भी आप देख लीजिए, इस तरफ ब्लैक, इस तरफ व्हाइट, और इस तरफ सादा, इस तरफ डिजाइन। और हमने यहाँ पूंछ भी लगा दिया है। आपके पास पूंछ नहीं है तो आप पेपर की भी कटिंग कर सकते हैं, या इससे जो बचा हुआ पेपर है मैं उधर करूँगा कैमरामैन से दिखाने के लिए, वो जो बचा हुआ पेपर है आप उसकी भी कटिंग कर सकते हैं। बाकी आप ये देख ही सकते हैं इस पतंग को कितनी अच्छी बनी है। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को कर देना लाइक शेयर और कमेंट, और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मेरे चैनल का नाम है लक्की सिंह भाटिया।